क्षमा जैनियों का आभूषण है। क्षमा मांगने वाला क्षमा देने वाले से भी बड़ा होता है। एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई भूल अपराध गलती के लिए क्षमा मांगना व्यक्ति का कर्तव्य है, तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की अमर औषधि क्षमा ही है। क्षमा देने वाले ने से कसाईयों की शांति होती है। यह बात मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद जैन ने उपनगर लोहा मंडी स्थित लाला कोकुलचंद जायसवाल जैन मंदिर कमेटी के तत्वावधान में रविवार को उपनगर जैन समाज की सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त की। वहीं उपनगर लोहा मंडी सकल जैन समाज के महिला पुरुष व युवाओं ने सामूहिक क्षमावाणी में एक दूसरे से क्षमा याचना की। जैन समाज प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माहेश्वरी नर्सिंग होम के डॉक्टर विनोद जैन MD थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भगवान पार्श्वनाथ के चित्र के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चियों ने मंगलाचरण नृत्य कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पर्यूषण महापर्व के 10 दिवसीय प्रतियोगिता के विजेता महिला पुरुष व बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह अध्यक्ष पदमचंद जैन, मंत्री देवेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दिलीप जैन काजू, संगठन मंत्री मनीष जैन ने भेंट किए। संचालन राकेश जैन ने और आभार मंत्री देवेंद्र जैन ने भेंट किया। इस मौके पर अध्यक्ष पदमचंद जैन, मंत्री देवेंद्र जैन, दिलीप जैन काजू, अविलाश जैन, मनीष जैन, राजुल जैन, आलोक जैन आदि मौजूद थे। बल्लू भाई कत्यार, श्रीमान रविंद्र जैन कोटा वाले, श्रीमान रविंद्र जैन कोटा वाले, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता से मंच पर आए और अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। श्रीमान अजय कुमार जैन साहब, तालियां बजाकर भाई डॉक्टर मुकुल जैन साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज के क्षमावाणी के पावन पर्व पर अपने विचार रखे, जो कि हमें सदैव अपना मार्गदर्शन देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और क्षमावाणी की आज हमने पूजा की, इसका मतलब हमारे को कहीं ना कहीं आघात होता है और वर्ष में ये एक दिन हमको मिलता है जिसमें हम पूर्व के वर्षों की क्षमा याचना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्ष में हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण से किसी के मन को पीड़ा पहुंचे, किसी को आहत पहुंचे। इसी भावना के साथ हम क्षमावाणी का पर्व मनाते हैं। मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से सुहाना है, हमें धर्म बढ़ाना है, महावीर के वचनों पे बस चल के जाना है। अरे आया पर्व पर्यूषण आ गया, छायर छाया घर घर आनंद छा गया। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जय धर्म की जय। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जय धर्म की जय। अनुमोदना मैत्री की वो अब भावना, सबके मंगल की कामना। रे जय 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 जैन धर्म की जय। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय 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 जैन धर्म की जय। ये पर्व हमारी शान।
सहकोषाध्यक्ष भाई श्रीमान अभिलाष जैन साहब, संगठन मंत्री श्री मनीष जैन साहब, अध्यक्ष मंदिर कमेटी मंत्री श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन साहब, कृपया सभी लोग मंच पर आ जाएं, कृपया हम लोगों का जोरदार तालियां बजाएं भाई सचिन के लिए, जो निरंतर हमारे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया में निरंतर करते रहते हैं अपनी कलम के माध्यम से। तालियों में थोड़ी कंजूसी है, जिस हिसाब से प्रिंट मीडिया अंदर कार्यक्रमों की कवरेज करते हैं भाई सचिन जी, कहता हूं भाई मुकेश जैन साहब, भाई आलोक जी का लोक साहब स्वागत कर रहे हैं। हम लोग अपने को जोरदार तालियां बजाकर सभी अपनी अनुमोदना करें और उनके इस कार्य की प्रशंसा करें। भाई आलोक जी, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है। बड़ी दूर से आप पधारे सहकर कहते हैं, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है। आगे बढ़ना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई। Oh,
अगली बार भी इसी तरह मौका मिले और आ सकूं। धन्यवाद। पहले एक सूचना है, अपने मंदिर जी से एक बस कल सोनिया जी के लिए जाएगी, जिन्होंने अपनी राशि जमा करके नाम लिखा दिए हैं, आरक्षित करा लिए हैं सीटें, वे ठीक 8:45 तक मंदिर जी के गेट पर आ जावे। सब आप थोड़े से प्रयास के बाद, थोड़ा ही बोलने के बाद आपने हाहा कर दी थी। आप ऐसे सर्व स्वाभाविक व्यक्ति के धनी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभारी है मंदिर कमेटी, उसके साथ आप सब लोग जो भी सहयोग किया है मंदिर के प्रति, उन सब के लिए परोक्ष रूप से सब लोगों ने, उसके लिए मंदिर कमेटी आपका बहुत बहुत आभारी है। यहाँ चल रहे 13 दिन विधान में जितने भी महिला वर्ग ने जो भाग लिया है बढ़ चढ़ के तन मन धन तीनों से, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और जो सब लोग यहाँ पर हमारे युवा वर्ग हैं आजकल जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।